नमस्ते गाइस। तो भाई फाइनली लियो का ट्रेलर आ चुका है और भाई थैंक गॉड कि इन्होंने ट्रेलर दे दिया, क्योंकि मूवी को रिलीज होने में अब बस कुछ 14-15 दिन बाकी है। लेकिन आखिर ये ट्रेलर कैसा था, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेलर को मैंने अभी तक सिर्फ तमिल में देखा है, क्योंकि इसे अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं किया गया थैंक्स टू गोल्ड माइन। तो इस वजह से मैं इस ट्रेलर का पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं कर पाऊंगा। तो इसी वजह से हम इस ट्रेलर का एक सिंपल रिव्यू करेंगे और जब इसका हिंदी ट्रेलर आ जाएगा तब पूरी तरीके से हम इसका ब्रेकडाउन करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर ये ट्रेलर दिखने में कैसा था। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक सीरियल किलर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से लोगों को मार रहा है। लेकिन इस केस को संभालने के लिए आते हैं हमारे इंस्पेक्टर साहब जो कि है हमारे थलापति विजय लियो, और शायद इस मूवमेंट के दौरान जो लियो है वो इस सीरियल किलर को मार देगा। लेकिन वही शायद इस सीरियल किलर से जुड़े हुए हमारे संजय दत्त का कैरेक्टर जो कि है एंथनी दास, और ये एक बहुत बड़ी गैंग के लीडर भी है। तो एंथनी इस सीरियल किलर का बदला लेने के लिए लियो से भिड़ जाते हैं। लेकिन इसमें जो संजय दत्त का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, क्योंकि हम ट्रेलर में भी देखते हैं कि हमारा जो लियो का कैरेक्टर है वो काफी सारी जगह पे स्ट्रगल कर रहा है, फिजिकली और मेंटली दोनों। और भाई पर्सनली मुझे ऐसे विलन काफी ज्यादा पसंद होते हैं जो कि मेंटली हीरो को टॉर्चर देते हैं। लेकिन वही जो लियो है वो पहले तो स्ट्रगल में फंसा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो हिम्मत करेगा और जगह भिड़ जाएगा संजय दत्त के कैरेक्टर से। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, क्योंकि शायद इन दोनों के बीच में हरनोल दास हो सकता है। अभी तक तो मैं ये समझ नहीं पाया कि इसका रोल इस मूवी में क्या होगा, लेकिन इस रोल को प्ले कर रहे हैं एक बहुत बड़े एक्टर जिनका नाम है अर्जुन। तो हाँ, इसका जो रोल होने वाला है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा मूवी के लिए। लेकिन अगर हम इस पूरे ट्रेलर की टोन की बात करें तो जब ये ट्रेलर शुरू होता है तब ये एक मर्डर मिस्ट्री टाइप लगता है, लेकिन जब इस ट्रेलर का मिड आता है तब ये पूरा ट्रेलर एकदम थ्रिलर में बदल जाता है। लेकिन इस ट्रेलर के एंड में आते आते ये पूरी तरीके से मासी हो जाता है, और ऐसा ही कुछ फील हमें विक्रम मूवी में भी देखने को मिला था। लेकिन इस बात को भी थोड़ा साइड में रखते हैं और हम बात करते हैं कि इसमें जितने भी एक्टर्स देखने को मिले हैं वो कैसे थे। तो भाई इसमें तो कोई दोरा ही नहीं है कि इसमें जितने भी एक्टर्स हमें देखने को मिले हैं सब अपने रोल में एकदम ओवर लग रहे हैं, रोल में होते हैं उस रोल में एक नंबर लगते हैं। लेकिन वही अगर हम संजय दत्त के विलन की बात करें तो ये जो विलन होने वाला है ये काफी ज्यादा चतुर चालाक होने वाला है जो सिर्फ अपने दिमाग से काम लेता होगा। लेकिन वही जो एंथनी दास का कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा ब्रूटल होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ इस मूवी के जो डायरेक्टर है लोकेश कनकराज, वो जब भी अपनी किसी मूवी के साथ आते हैं तब धमाका मचाते हैं। तो भाई मिस्टर मैन